हाय दोस्तों, कैसे हो आप सभी। तो आज मैं शेयर करने वाली हूँ चॉकलेट मार्बल केक की बहुत ही टेस्टी सी केक। बहुत अच्छा लगेगा अगर आप इसे इसी तरीके से बनाओगे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है देखने में। देखिए कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है, खाने में उससे भी ज़्यादा टेस्टी लगने वाली है। तो चलिए दोस्तों, देर किस बात की है, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर आपको मेरी रेसिपीज अच्छी लगती है और मुझसे जुड़े रहना चाहते हो तो बस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाओ मेरे आने वाली वीडियोज़ को सबसे पहले देखने के लिए। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे हम केक टिन ले लेंगे जिसे हम ग्रीस करके रख लेंगे। यहाँ पे मैं चेंज का केक टिन ले रही हूँ, इसमें ऑयल लगा कर ग्रीस करेंगे या फिर आप बटर से भी आप इसे ग्रीस कर सकते हैं। किनारों में भी अच्छे से कर लें, उसके बाद इसके ऊपर हम बटर पेपर लगा लेंगे। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप सिंपली मैदे से डस्ट भी कर सकते हैं। और चलिए बैटर बनाना शुरू करते हैं। बैटर बनाने के लिए एक बोल ले लेंगे, 3/4 कप यहाँ पे मैं पिसी हुई चीनी ले लूँगी। उसी सेम कप से हम मेज़रमेंट लेंगे 3/4 कप दूध, लेकिन दूध रूम टेम्परेचर का होना चाहिए, यानी ज़्यादा ना ठंडा ना ज़्यादा गर्म होना चाहिए। 1/4 कप हम ऑयल ले लेंगे, रिफाइंड तेल, और आप इसकी जगह बटर भी ले सकते हो। लेमन जूस लेंगे यानी 1 टेबल स्पून नींबू का रस, इसी के साथ जाएगी 1 छोटी चम्मच वनीला एसेंस। और उसके बाद सारे लिक्विड चीज़ों को हम बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे। तो अच्छी तरीके से इसे फेंटना शुरू कर दें, और इसे इतने अच्छे से फेंटना है ताकि सारे चीज़ बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए और इसकी जो टेक्सचर है वो एकदम सिल्की स्मूथ हो जाए। देख सकते हो कि ये पूरी तरीके से सिल्की स्मूथ टेक्सचर की हो गई है। तो चलिए इसमें हम ड्राई इंग्रेडिएंट्स को छान लेते हैं। यहाँ पे छानने के लिए एक छन्नी रख लें, स्ट्रेनर। इसके ऊपर हम डालेंगे 1 कप मैदा पहले, उसके बाद 1/4 कप मैदा हम और डाल लेंगे, यानी 1 और 1/4 कप दोनों ही मेज़रमेंट में डाल लेंगे। 1 छोटी चम्मच हम बेकिंग पाउडर डालेंगे, उसी के साथ 1/4 छोटी चम्मच और बेकिंग पाउडर, 2 पिंच बेकिंग सोडा डाल लेंगे। मिलाते हुए इसे छानेंगे। तो इस तरीके से इसे मिक्स करते जाएं और इसे छानते जाएं। तो ड्राई इंग्रेडिएंट्स को हमेशा छान के डालना है। केक जब भी बनाओ आप इसी तरीके से इसे छान के डालो, नहीं तो लम्स बनेंगे तो केक की जो टेक्सचर है वो स्मूथ बिल्कुल नहीं बनेगी, आपको प्रॉब्लम भी होगी। तो चलिए इसे जेंटली मिक्स करना शुरू कर देते हैं, और धीरे धीरे हाथों को चलाएं और इसे अच्छे से मिलाते जाएं। आप इसमें ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें, धीरे धीरे ही मिलाना है आपको। और अगर आपको बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगे तो आप इसमें दूध या फिर पानी मिला के इसे थोड़ा सा ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का बना सकते हो। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बस 1 चम्मच पानी डाल लिया और इसे थोड़ा सा पतला किया, लेकिन ध्यान रखें ज़्यादा पतला बिल्कुल ना करें, नहीं तो बहुत ही प्रॉब्लम होगी, ये पूरी तरीके से टीन में फैल जाएगी और ये अच्छी नहीं बनेगी, फिर स्ट्रिप्स नहीं बन पाएगी। और स्पैचुला के हेल्प से हम इसे कट एंड फोल्ड एक बार ज़रूर चला लेंगे। देखिए तैयार हो चुकी है हमारी बैटर। तो यहाँ पे हमने 2 बोल लिया है सेम साइज़ का, और यहाँ पे हम बैटर को ट्रांसफ़र करेंगे इक्वल क्वांटिटी में 2 हिस्सों में, और यहाँ पे स्पून के हेल्प से हम इसे डालते जाएंगे। तो इसी तरीके से आपको इसे करना है, और देखिए हमने इक्वली डिवाइड कर लिया है। और चलिए एक में हम कोको पाउडर मिला लेते हैं। कोको पाउडर मिलाने के लिए हम यहाँ पे छन्नी डाल के उसे भी छान लेंगे। तो छन्नी का इस्तेमाल हमेशा ड्राई इंग्रेडिएंट्स टाइम करें। 2 छोटी चम्मच यहाँ पे हम कोको पाउडर डालेंगे, इसमें भी गुठलियाँ होती है देख सकते हो आप, और इसे भी छान के डाल लें। देखिए इसे भी हमने मिला लिया, और आपको यहाँ पे ये बैटर थोड़ा सा गाढ़ा लगेगा तो 2 चम्मच पानी भी डाल सकते हैं। यहाँ पे मैं कैमरे में दिखाना भूल गई, लेकिन आप मत भूलना। तो चलिए इसे भी अच्छे से स्मूथली मिला लें। और ये रही, इसे ड्रॉपिंग कंसिस्टेंसी का ही बना के रखना है, लेकिन ज़्यादा पतला बिल्कुल भी ना करें। तो चलिए अब हम इसे टीन में डालना शुरू करते हैं। दोनों रेडी हो गई है, 1-1 चम्मच दोनों में डाल लें। तो इन सब छोटी छोटी बातों का बिल्कुल ध्यान रखना है आपको। अगर इन सब बातों का ध्यान नहीं रखोगे तो आपकी जो स्ट्रिप्स है वो परफेक्ट नहीं बनेगी, सब मिक्स हो जाएगी दोनों ही कलर बैटर। तो चलिए केक टीन में ये तैयार है डालने के लिए, और इसे हम थोड़ा थोड़ा 1-1 चम्मच इस तरीके से लेंगे और इसे थोड़ा थोड़ा फैलाते जाएंगे, आप देख सकते हैं। और इसके ऊपर हम चॉकलेट फ्लेवर डालेंगे इस तरीके से, और बस 1-1 चम्मच डालना है, ज़्यादा नहीं डालना है। थोड़ा सा टैप भी कर सकते हैं टीन को आप। तो यहाँ पे इसके ऊपर एक डालते जाएंगे,
और बहुत ही आसान है और बहुत ही मज़ा भी आता है इसे बनाने में। आप देख सकते हो बहुत ही इंजॉय कर रही हूँ मैं, तो आपको भी बहुत ही मज़ा आएगा। और इसी तरीके से आप डालते जाओ और इसी तरीके से ये परफेक्टली स्ट्रिप्स बनती चली जाएगी। और ये देखिए कम्प्लीटली रेडी हो गई है, मैंने सिंपली शॉर्टली बता दिया आपको। और टूथपिक ले लेना है और डिज़ाइन इस तरीके से कर लेना है, लेकिन ध्यान रखना है कि जब भी आप टूथपिक लगाएं एक बार में इसे पोंछते चले जाएं, यानी साफ करें टूथपिक को हर एक बार कपड़े से या फिर हाथ से इसे पोंछते चले जाएं। तो ये देखिए तैयार हो चुकी है, कितना अच्छा फ्लावर बन के आया है। ये थोड़ी सी इधर उधर हो जाएगी लेकिन टेस्ट में बिल्कुल भी आपको ख़राब नहीं लगने वाली है, बहुत ही अच्छी लगने वाली है। तो तैयार हो चुकी है बहुत ही टेस्टी चॉकलेट मार्बल केक। तो प्री हीट मोड में मैंने पहले से ही माइक्रोवेव को डाल लिया था, आज इसे मैं माइक्रोवेव में बेक करूँगी 180 डिग्री टेम्परेचर पर। टेम्परेचर मैंने दे दिया है और इसे कपड़े से ढक के इसे ठंडा करेंगे बेक होने के बाद और इसे ओपन कर लेंगे। तो 10 से 15 मिनट में ठंडी हो गई है ये, और चलिए इसे डीमोल्ड कर लेते हैं हम अब। तो हमारी स्ट्रिप्स कितनी अच्छी बन के आई है और आपकी भी बहुत अच्छी बन के आएगी। आप इसी तरीके से इसे बनाओ, आपको बहुत अच्छा लगेगा। थोड़ा सा इसे टैप करेंगे और ये बहुत आसानी से देखिए बाहर निकल आई है। तो इसी तरीके से ये डीमोल्ड हो जाती है और बटर पेपर को हम इस तरीके से निकाल लेंगे। तो तैयार हो चुकी है दोस्तों हमारी चॉकलेट मार्बल केक। तो इसी तरीके की रेसिपीज आपको मेरे चैनल पे अच्छी अच्छी और बहुत ही फ़ायदेमंद मिल जाएगी। आप इसे देखिए कितने अच्छी बनी है चॉकलेट मार्बल केक, बहुत ही टेस्टी लगती है जब हम इसे बनाते हैं खाते हैं, बहुत अच्छी लगेगी। और चलिए इसे कट कर लेते हैं और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कितना अच्छा केक हमारा बन के तैयार हो गया है। देखो आप कितना अच्छा स्ट्रिप्स आया है और कितनी सॉफ्ट है, कितनी फ्लफी है। तो इसी तरीके की रेसिपीज़ आपको मेरे चैनल पे मिलती रहेगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लो दोस्तों, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।